जाफरी, तो दुनिया की सबसे कठिन किताब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज ऐसा लगेगा कि इस मानव की जैसे कोई अमृत पिला रहा हो। तो वही होगा, एक प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद मिलाने से क्या फायदा। जब वक्त रहेगा तो प्यासे को पानी नहीं पिलाया जाएगा, बाद में अमृत लेकर आओगे तो घंटा फायदा होगा। ना 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 ना, इसीलिए जो वक्त है, इसीलिए कुछ बीए के बच्चे जो हैं कहते हैं सर जी बड़ा टफ है। सोचिए, बीए के बच्चे नहीं पढ़ पाते इंग्लिश, तो और जो छोटे बच्चे और जो सीख रहे हैं वो कैसे पढ़ पाएंगे। तो आज वही देखेंगे हम लोग, कैसे पढ़ा जाता है टफ वर्ड्स, टफ्स और पूरा पैसेज। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बाबू साहब, साफ शब्दों में, जब तक आप कोई वर्ड पढ़ नहीं पाएंगे, मान लीजिए यही लिखा है आपको दिख रहा होगा स्टडीज, ये जब आप पढ़ नहीं पाएंगे तो समझ पाएंगे क्या लिखा है। यहाँ मान लीजिए एक जगह पे लिखा है इफ यू कम, यदि आप आते हैं इफ यू कम आई विल हिट एंड टीयर योर क्लास। समझ नहीं आ रहा होगा पर देख लीजिए, साफ शब्दों में लिखा, इफ यू कम, यदि तुम आते हो तो आई विल टीयर, मैं फाड़ दूंगा योर क्लाथेस। तो अगर मान लीजिए गेट पे ही चिपकाया हुआ है तो आप शान से चले गए बिना पढ़े, तो सोचिए क्या होगा बबुआ है। इंडियन पिक्चर देखे हैं, मूवी उसी तरीके से हो जाएगा, फाड़ कर निकाल दिया जाएगा। तो पढ़िए और तब समझ में आएगा ज़्यादातर। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, लिखा है स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट। देखिए DELIGHT का हो लाइट, सर्व फॉर डिलाइट। फॉर ऑर्नामेंट, देखिए ornament फॉर ऑर्नामेंट। एंड फॉर, देखिए रफ्तार पढ़ने का जानते हैं क्या तरीका है, गोली की तरह आज पढ़ना सिखाएंगे, बात हमारे साथ बने रहिएगा। रफ्तार पढ़ने का मात्र एक ही तरीका है साहब साहब बाबू, कि जो कॉमन वर्ड होते हैं जैसे बट, हिम, वाज, वेयर, ये सब आप दिमाग में रखे रहें, बार बार छोटे वर्ड उसको आप दोबारा पढ़ना ना पड़े तो जल्दी से आप पढ़ ले जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखेंगे, धीरे धीरे तब ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो बार बार हमें समस्याओं को झेलना पड़ेगा, इसीलिए ये होता है। तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ से, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। देखिए यहाँ दिख रहा होगा एबिलिटी। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट, जो बड़े शब्द बोले हम पढ़ रहे हैं डिलाइट, फॉर प्राइवेटनेस। देखिए प्राइवेट, यहाँ से प्राइवेट हो गया private, प्राइवेट यानी नेस, प्राइवेटनेस ये था। एंड रिटायरिंग फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन। देखिए दिख रहा होगा, फिर यहां से देखेंगे आप ये दूसरा लाइन, बिजनेस फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एक्सक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पार्टिकुलर्स वन बाय वन बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि आप हमारे साथ साथ पढ़ते रहें, वो जो वर्ड है आप धीरे धीरे सीखते रहें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहें कि आप किस तरीके का वीडियो चाहते हैं, सिंपल या थोड़ा कठिन या और इससे और ये आता है, जरूर हमें कमेंट में बताइएगा कि अच्छा लगा, लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए आप तो सब्सक्राइब कर दें पहले नंबर, इससे वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहेगा। फिर ये है ऑर्नामेंट्स, इज अफेक्शन टू मेक जजमेंट होली बाई देयर रूल्स, इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर द परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाई एक्सपीरियंस, फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड, देखिए टफ वर्ड, प्रो क्या कहेंगे, प्रोइनिंग बाई स्टडी एंड स्टडीज देमसेल्व्स डू गिव फोर्थ डायरेक्शंस टू मच एट लार्ज एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड
इन बाई एक्सपीरियंस. क्राफ्टिंग मैन कंडक्ट स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम, एंड वाइज मैन यूज देम. कह रहा साफ साफ शब्दों में, बीए फर्स्ट ईयर का पहला ये है जान लीजिए, इसमें साफ साफ कह रहा है कि एक क्राफ्टी मैन, एक चालाक आदमी किसी स्टडी, किसी भी नॉलेज को सिर्फ प्रशंसा देता, हाँ नाइस, हाँ नाइस, गुड सर जी, वेरी गुड. और एक कॉमन व्यक्ति होता है, हाँ नहीं, क्राफ्टी में चालाक आदमी क्या करता है, बुराई करता है. कुछ रहते हैं ना जेलस के नाते डिसलाइक बटन ठोक देते हैं, जेलस के नाते शेयर नहीं करते हैं, जेलस के नाते बुराई कर देते हैं, कहते कैसा पढ़ाते हो. और कुछ कॉमन व्यक्ति हैं जिन्हें कहा गया कॉमन व्यक्ति. देखिए आप यहाँ दिख रहा होगा, सिंपल मैन एडमायर देम, सिंपल मैन जो होता है एडमायर प्रशंसा करता है, हाँ सिर्फ कहता वाह सर जी, नाइस, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है. और जो होते हैं वाइज मैन, वो क्या करते हैं, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति यूज देम, उनका उपयोग करते हैं. बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, यूज देम, उनका उपयोग करते हैं. तो आप किस कैटेगरी के व्यक्ति हैं आप खुद समझ सकते हैं, उसका यूज करें और दूसरों को भी शेयर करें कि उनको भी लाभ पहुंच सके. सो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए कमेंट में, किस टाइप का चाहिए जरूर बताते रहें कमेंट में, लाइक कर दें बटन प्रेस कर दें और बताते रहो कैसा चाहिए वीडियो, तो हम आपके लिए लाते रहेंगे. और वरना हम थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं किस टाइप का वीडियो डालें, अपलोड करें आपके लिए. सो टेक केयर एंड माइंड द क्रिटिकल टाइम ऑफ कोरोना, बी हैप्पी एंड मेक हैप्पी ऑफ अदर्स, लव यू ऑल. माय नेम इज वाइज, इन द रिलेशनशिप आई एम टीचर, इसलिए मैं हम आपके टीचर लगते हैं.